पांच ऐसे युवा इंडियन खिलाड़ी जिनको आईपीएल टीमों ने खरीदा, लेकिन आज तक उनको डेब्यू करने का मौका ही नहीं मिला, उनके बारे में करते हैं इस वीडियो में बात। तो पहला नाम है जहां पर देवदत्त पाडिकल, जिनको आरसीबी ने 2019 में 20 लाख रुपए में खरीदा। ये बल्लेबाजी करते हैं नंबर 3, नंबर 4 और कई बार नंबर 5 पर। दूसरा नाम है जहां पर ऋतुराज गायकवाड़, जिनको चेन्नई सुपर किंग्स ने 2019 में 20 लाख रुपए में खरीदा। ये एक ओपनर हैं। तीसरा नाम है यहाँ पर मंजोत कालरा, जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा 2018 में, और ये एक ओपनर हैं। चौथा नाम है यहाँ पर हिम्मत सिंह, जिनको आरसीबी ने 2019 में 65 लाख रुपए में खरीदा, और ये एक मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। पांचवा नाम है यहाँ पर अनमोल प्रीत सिंह, जिनको मुंबई इंडियंस ने 2019 में 80 लाख रुपए में खरीदा, और जे नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हैं। जे पांचों इंडियन युवा खिलाड़ी बहुत ही प्रतिभाशाली और लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन उसके बावजूद भी इनको आईपीएल में आज तक डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है। नीचे कमेंट करके आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस आईपीएल में इन पांचों में से किसको डेब्यू करने का मौका मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।